अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ स्टोरी में आप सबका खैर मकदम है। पहले तो आप सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आइए नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के इंतजामिया ने चारशुमे के रोज यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद का किया ऐलान। मवासिलात के वजीर अश्विनी विष्णु अरुणाचल प्रदेश में 254 फौजी मोबाइल टावर्स कॉम के नाम वक्फ करेंगे। कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए मामले, 32 लोगों की अमवात। मवासिलात के वजीर अश्विनी विष्णु अरुणाचल प्रदेश में 254 फौजी मोबाइल टावर्स कॉम के नाम वक्फ करेंगे। मवासिलात के मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु आज अरुणाचल प्रदेश में 254 फौजी मोबाइल टावर्स कॉम के नाम वक्फ करेंगे। ये टावर्स इन गांव में 4G खदमात तफराह करेंगी, जहां अब तक ये खदमात मुहैया नहीं हो सकी हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन के इंतजामिया ने चारशुमे के रोज यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के इंतजामिया ने चारशुमे के रोज यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद में 36वीं सिक्योरिटी पैकेज के तौर पर 32,50,00,000 डॉलर का ऐलान किया है। इससे रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेनी फौजियों को मदद मिलेगी। ये पैकेज ज्यादा मुतहरिक ऑल टेरर रॉकेट निज़ाम के इजाफी गोला बारू पर मुश्तमिल है, जो एक ट्रक पर नस्ब एक मिजाइल लॉन्चर है, जो एक से ज्यादा गाइड मिजाइलों को एक के बाद दीगर फायर कर सकता है, और टेकन शिक्ट बर्दी सरिंगोनीज पैथ्रियोट फिजाई दिफाई निज़ाम को भी तेजी के साथ तबाह कर सकता है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ईद रमजान के मुबारक महीने के अख्ताम पर मनाई जाती है और ये त्यौहार मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत की एहसासियत फैलाता है। इन्होंने कहा है कि ईद गानक और बाहमी हम आहंगी का पैगाम देती है। सदर जमहूरिया ने मुर्मू ने आवाम से कहा है कि वो समाज में भाईचारा और हम आहंगी के एहसास को फ़रोग दें। इसरो आज सापहर श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 सियाचों के साथ PSLV C-55 सियाचों को खला में भेजेगा। खिलाई तहकीक व तरक्की की भारतीय तंजीम इसरो आज दोपहर 2:19 पर PSLV C-55 को सिंगापुर के 2 मंसूबा सियाचों के साथ खला में भेजेगी। ये रॉकेट श्रीहरिकोटे के सतीश धवन खलाई मरकज से भेजा जाएगा। ये ISRO के एक कमर्शल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए भेजा जाने वाला एक मखसूस कमर्शल है। कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए मामले, 32 लोगों की अमवात। मुल्क में कुछ दिनों से कोरोना वायरस की वबा के बढ़ते हुए मामलों के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान इन्फेक्शन की वजह से 32 लोगों की मौत हुई है। पूरे मुल्क में इन्फेक्शन की शरह 6.17% रिकॉर्ड की गई है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के द्वार का खुल जाने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के द्वार का खुल जाने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। वैदिक मंत्रों के जाप के साथ आज अक्षय तृतीया पर गंगोत्री धाम के कपाट 12:35 पर और यमुनोत्री धाम के कपाट 12:41 पर खोले गए। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर यमुनोत्री पर मौजूद थे। आज मुल्क भर में ईद उल फितर का त्यौहार पूरे मजहबी अकीदत और जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल फितर का त्यौहार आज मुल्क भर में पूरे मजहबी अकीदत व जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार माह रमजान की रोजे मुकम्मल होने के मौके पर मनाया जाता है। लोगों ने ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की खसूस नमाजें अदा की है। बाद में लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दिल्ली में ईद की नमाज जामे मस्जिद फतेहपुर यमजिदी और शाही ईदगाह में अदा की गई। इस मौके पर वसी पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए गए थे। खलीजी ममालिक में ईद कल मनाई गई थी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात कांग्रेस उम्मीदवारों की नामजदगी खारिज करने की साजिश कर रही है, बीजेपी। शिव कुमार का इल्ज़ाम।
कर्नाटक कांग्रेस सदर डी के शिवकुमार ने हफ्ते के रोज़ बीजेपी वजीर आला दफ्तर और बीजेपी कानून सेल पर कांग्रेस उम्मीदवारों की नामजदगी का पर्चा खारिज करने की साजिश तैयार करने का इल्जाम किया है। शिवकुमार ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खताब करते हुए कहा है कि इनकी नामजदगी के पर्चे को सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया। डी के शिवकुमार ने कहा है कि किंगपुरे में एक कानूनी टीम तैनात है, इतनी बड़ी तादाद में डाउनलोड क्यों, इसका मतलब है कि इनका मकसद मेरी नामजदगी को खारिज करना है। गैंगस्टर अतीक अहमद की हिमायत में पटना में लगाए गए नारे। मुजाहिरीन ने मरकज़ और यूपी हुकूमत के खिलाफ भी नारे लगाए हैं। पटना में मुसलमानों के एक ग्रुप ने जुमे के रोज़ गैंगस्टर से सियासतदान बनने वाले मुफ्ती अतीक अहमद, इसके भाई अशरफ अहमद और बेटे असद अहमद की हिमायत में नारे लगाए और इनके कत्ल को योगी आदित्यनाथ और मरकजी हुकूमत की साजिश करार दिया है। रमज़ान के आखिरी दिन नमाज जुमातुलविदा की नमाज के लिए पटना की जामा मस्जिद में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। जुमे की नमाज के बाद इनमें से कुछ लोग सड़कों पर उतरे और नारे लगाए कि अतीक अहमद अमर रहे, अशरफ अहमद अमर रहे और असद अहमद अमर रहे। की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, असाफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लांड वे में मारा गया, योगी सरकार ने उनको प्लांड वे में मरवाया, इसमें कोर्ट मीडिया सरकार पुलिस सबका हाथ है उसको मरवा लो। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है, शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। आपका नाम, पूरा नाम क्या लिखे सर? मेरा नाम रईस गजनवी है। लेकिन सब तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए उन्हें गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था, कोर्ट भी जिम्मेवार है। उनको सजा होता फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन जिस ढंग से उनकी हत्या है, आज हमने दुआ किया या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, असाफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लांड वे में मारा गया, योगी सरकार ने उनको प्लांड वे में मरवाया, इसमें कोर्ट मीडिया सरकार पुलिस सबका हाथ है उसको मरवा लो। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है, शहादत हुई, शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। आपका नाम, पूरा नाम क्या लिखे सर? मेरा नाम रईस गजनवी है। लेकिन सब तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए उन्हें गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था, कोर्ट भी जिम्मेवार है। उनको सजा होता फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन जिस ढंग से उनकी हत्या है, आज हमने दुआ किया या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, असाफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लांड वे में मारा गया, योगी सरकार ने उनको प्लांड वे में मरवाया, इसमें कोर्ट मीडिया सरकार पुलिस सबका हाथ है उसको मरवा लो। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है, शहादत हुई, शहीद हुआ वो
रोजा के दिल में। दीजिए नाजरीन मरियम फातिमा को इजाजत, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Assalamualaikum, hello, hi, आदाब everyone। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT News और देखते रहिए TNT News। थैंक यू।